हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं बनाने वाली हूँ सुपर क्रिस्पी सुपर यम्मी मिक्स वेज पकोड़ा। चाय या फिर कॉफ़ी के साथ ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बनाना बहुत आसान है। बारिश का मौसम चल रही है दोस्तों, तो इसे फटाफट से बनाने की रेसिपी जान लीजिए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए बारिश का। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियलिस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेज पकौड़ा बनाने के लिए मैंने सारे बेसिक सब्जियां ही रखी है। यहाँ पे मैंने कुछ शिमला मिर्च काट के ली है, थोड़े से गाजर काट के ली है, थोड़े से आलू ली है, थोड़े से प्याज ली है, थोड़े से बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता है, एक बड़े चम्मच बारीक कटी हुई अदरक है, एक बड़े चम्मच बारीक कटी हुई है लहसुन, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। अगर आपको तीखापन ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें ना थोड़ी सी हरी मिर्च ज़्यादा भी डाल सकते हो। सब्जियां मैंने इतने ही ली है, आप चाहो तो कुछ और भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि थोड़े से बीट रूट काट के ले सकते हो या फिर थोड़े से मटर के दाने भी ले सकते हो फ्रेश। तो बस यही सारे सब्जियों से हम आज बनाएंगे अपने मिक्स वेज पकौड़ा। तो इसको लेके चलते हैं और इसको डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बोल में, ताकि हमें मिक्स करने में आसानी हो। मैंने यहाँ पे बस हरी वाली शिमला मिर्च ली है, आप चाहो तो वो रेड वाली और येलो वाली भी ले सकते हो। अब ये वाली शिमला मिर्च को ना कैप्सिकम बोलते हैं और वो वाली को बेल पेपर भी बोलते हैं, लेकिन उसमें ना फ्लेवर थोड़ा सा कम होता है, ये हरी वाली में फ्लेवर ज़्यादा होता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ हरी वाली लेने की। अब इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले, जैसे एक बड़े चम्मच धनिया पाउडर डालना, थोड़ी सी इसमें आप डालना लाल मिर्च का पाउडर एक बड़े चम्मच, एक छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, नमक डालना है अपने स्वाद के अनुसार, और एक छोटा चम्मच डालनी है आपको हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने एक कप जितना बेसन डाल दी है और अभी हाथ को धो के अच्छे से आपको इसे हाथों से मिलानी है मसलते हुए। इसमें पानी बिल्कुल भी मत डालना दोस्तों, हमने इसमें नमक डाली है ना तो पानी छोड़ेगी ये सब्जियाँ। तो ये देखो पानी छोड़ दी है, लेकिन इसमें अभी भी बाइंडिंग नहीं आई है, तो इसलिए थोड़ा सा बेसन मैंने इसमें और डाल दी है, लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच जितना। तो तब तक आप बेसन डालते जाना दोस्तों जब तक इसमें अच्छी सी बाइंडिंग नहीं आती है, लेकिन हाँ पानी बिल्कुल भी मत डालना। अब ये देखो इतनी ही आपको बाइंडिंग चाहिए, इससे कड़ा बाइंडिंग नहीं करनी है, नहीं तो पकौड़े ना कड़े बनेंगे, वो क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो बस साइड में मैंने तेल को गर्म करने के लिए छोड़ दी थी और इस गर्मा गर्म तेल में हम मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से पकोड़े डाल देंगे। और हाँ दोस्तों, पकोड़े जितने छोटे साइज़ के बनेंगे ना उतने ही ये क्रिस्पी बनेगी और खाने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कोशिश करना जितना छोटा आप डाल सकते हो, और छोटा तो छोटा लेकिन ऊबड़ खाबड़ जितनी बनेगी ना उतनी भी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनेगी। तो आप देख भी सकते हो दोस्तों, मैंने इसे ऊबड़ खाबड़ ही बनाई है, मतलब कि डाल भी रही हूँ ऊबड़ खाबड़ और छोटे छोटे भी डाल रही हूँ, और फ्लेम को मैंने रखा है फ़िलहाल मीडियम टू लो पे, क्योंकि पहले पकोड़े तल जाएंगे और लास्ट वाले पकोड़े ना फ्राई नहीं होगी। तो पहले मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखी है, पकोड़े सारे डालने के बाद मैंने फ्लेम को कर दी है मीडियम पे, और मीडियम फ्लेम पे आपको इसे पलटते हुए फ्राई करनी है जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है, बिल्कुल ऐसी। ये देखो लग रही है ना बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, ये बन के रेडी हो गई है दोस्तों। पकोड़े खाने का जो मज़ा है ना वो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है। तो ये वाले पकोड़े तो फ्राई बिल्कुल अच्छे से हो गई है, इसको अब हम निकाल लेंगे तेल में से और एक टिश्यू पेपर में छोड़ देंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो टिश्यू पेपर सोख कर ले। ज़्यादा देर तक ये गर्म नहीं रहेगी, खाने का मज़ा बाद में नहीं आएगा, तो गर्मा गर्म ही इसको आपको इन्जॉय करनी है। और हाँ दोस्तों, आप इसको चाहो तो हरी चटनी के साथ भी खा सकते हो, लेकिन मैं आज इसको टमाटो केचप के साथ ही खाने वाली हूँ। हरी चटनी बनाने के लिए उतनी देर मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि पकोड़े बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बस इस रेनी सीजन में गर्मा गर्म पकौड़े खाइए, एंजॉय कीजिए, और मुझे ज़रूर बताना कि आपके वाले पकौड़े कैसे बने हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।